स्वागत है। तो आज की डिस्कशन ये है कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब कहने वाली ये चाइना है, इसको क्या इंडिया रिप्लेस कर सकता है? क्या दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ जिसके सपोर्ट से आज पूरी दुनिया में उनकी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है जिसके हर एक वर्ल्ड के हर एक घर में आपने कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाता है, चाहे वो उसका कोई ना कोई पार्ट हो जो उनका चाइना से बना हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग के इस ताकतवर दुनिया इन कंट्री को क्या कोई दूसरा कंट्री रिप्लेस कर सकता है? तो जानिए आज के इस डिस्कशन में। तो उससे पहले जो आप नए हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन। तो क्वेश्चंस ये हैं कि हम लोग आज़ादी हम सबको मिली है 1947 में, उसी हिसाब के चाइना की जो आज़ादी है वो हुआ है 1949 में। लेकिन हम लोग देखते रहे कि हम लोग क्लोज इकोनॉमी था, इसी हिसाब से चाइना भी क्लोज इकोनॉमी था, तो हमारे और चाइना की जो ग्रोथ है तकरीबन सेम था। लेकिन ऐसे क्या हुआ आज चाइना हमारे से बहुत गुना आगे निकल गया और वर्ल्ड के इसको मैन्युफैक्चरिंग हब कहने लगा। 1979 में चाइना ने अपना क्लोज इकोनॉमी से अपना ओपन इकोनॉमी का कर दिया था। जब वहाँ का रिफॉर्मिस्ट डेंग ज़ियाओपिंग था जो चाइना के बारे में बहुत दूर के बारे में सोच सकते थे, तो डेंग ज़ियाओपिंग के इस कालखंड में चाइना ने अपना इकोनॉमी खोल दिया था। उसी हिसाब से देखें तो हम लोग 1991 में हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे और फिर अपने आप को सुधार किए थे। लेकिन ये काम चाइना ऑलरेडी 10-12 साल पहले कर चुका है, तो हम लोग ऑलरेडी तो उसके पीछे रह गए। एक रीसेंट डेटा के मुताबिक हम लोग देखते आ रहे हैं कि 2004 साल में जब हमारे नए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट बना था, तब हमारे जीडीपी था ग्रॉस $7.2 बिलियन और उसी हिसाब में चाइना का जो जीडीपी है तब था कहीं $1.9 ट्रिलियन के आसपास। लेकिन ऐसा क्या हुआ आज इस 2023 में बैठ के हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीडीपी है तकरीबन $3.7 ट्रिलियन की, वहीं पे चाइना की इकोनॉमी है $29 ट्रिलियन पे। अब बात ये है कि कहाँ पे 3.7 और कहाँ पे $29 ट्रिलियन। लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ है, चाइना की जीडीपी ग्रोथ है, ये बहुत पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होने लगा था। जब हम लोग इकोनॉमी की ग्रोथ 4% के आसपास हम लोग बढ़ने लगे थे, तब चाइना में यही ग्रोथ 10-15% के हिसाब से होते रहते थे। तो इसी हिसाब से हम लोग जहाँ पे ग्रोथ बहुत धीमे होने लगी, जहाँ पे 2014 के डेटा के हिसाब से हम लोग का जीडीपी था तकरीबन $2 ट्रिलियन के आसपास और चाइना के था तकरीबन $19 ट्रिलियन के आसपास उनका जीडीपी। तो यही है उनका मैन्युफैक्चरिंग हब की, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत। क्या हुआ था 1979 में जब चाइना अपना इकोनॉमी ओपन कर दिया था, तब यहाँ का जो लेबर था तो लो लेबर कॉस्ट और हाई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे जो ग्लोबल कंपनीज था, चाहे अमेरिकन कंपनी या दूसरे जगह यूरोप का कंपनीज था, वो चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा चुके थे। तो सेटअप इसलिए ऐसे लगा चुके थे तो धीरे धीरे ये सेटअप को बढ़ते 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 आज इस जगह पे बन चुका है कि चाइना खुद का कंपनी खोल चुका है और उसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आज दुनिया में हर एक जगह के कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उस मैन्युफैक्चरिंग का कोई ना कोई पार्ट आज चाइना में बन रहा है। तो यही चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं। अब बात यह है कि जब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए तो ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को इतना अभी चेंज करना पड़ा? तो बात ये है कि 2004 की 2010 तक वहाँ के जो चाइनीज प्रेसिडेंट था वो तब मुझी था, जो एक लिबरलाइज पर्सन था, कभी किसी के साथ झगड़े या किसी चीज़ में जाता नहीं था। 10 साल राज करने के बाद उसके बाद आया उसका नाम काका शाह भी बोलते हैं कोई कोई सी जनरिंग। अब इसी के राज में ऐसा हुआ क्या है, इन लोग धीरे धीरे पूरी दुनिया को डराने लगे। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर भी चले गए, धीरे धीरे साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी पे अपना जो नेबर कंट्रीज है उनको धमकाने लगे। अब धीरे धीरे जब पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना एक बहुत खतरे का घंटी
दे रहे हैं, तब ये खतरे हैं कि सबको महसूस हो रहे हैं। अब ये मैनेजमेंट मैनुफैक्चरिंग काम धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे हैं। अब धीरे धीरे शिफ्ट होना, जो ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब है इनको शिफ्ट करना तो इतना आसान बात तो नहीं है। हम लोग बोलते रहे कि हाँ हम चाइना से खरीदेंगे नहीं, लेकिन आपको एक बार गौर करने वाला है कि आपको कोई ना कोई चीज़ आपको चाइना से मिलता नहीं हो, चाहे हमारा फार्मोशिप हो या कुछ भी हो। इसलिए आज हम लोग चाइना के साथ तकरीबन $50 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट में हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग बोलते रहते कि हम चाइना से ट्रेड बंद कर दें तो लॉस चाइना के साथ साथ हमारा भी होगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर थे चाइना से। लेकिन ये चीज बहुत जल्द चेंज होने वाला है। अगर ये मैं कहूँ तो मैं थोड़ा गलत नहीं कहूँ, क्योंकि एक रिसेंट डेटा आया है, डेटा के मुताबिक चाइना की जो ग्रॉस जीडीपी दिखा रहा था 4% के आसपास, वो ग्लोबल सपोर्टिव के मदे ग्लोबल कुछ डेटा के अनुसार ऐसा दिखा रहा है कि ये अपना डेटा गलत बता रहे हैं। ऐसा अगर कहें तो चाइना की जो ग्रॉस जीडीपी है वो 2% से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अब शिफ्ट हो रहे तो काम हो रहा है, कुछ शिफ्ट इंडिया में हो रहा है, लेकिन हम लोग इंडिया में शिफ्ट करने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इंडिया में स्टिल अभी भी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। हम मैन्युफैक्चरिंग तो बोल सकते हैं कि हम बहुत पहले से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत धीरे धीरे। रिसेंट कुछ डेटा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये जैसे भी हो लेकिन बहुत सारे कंपनीज हैं चाइना के कुछ रूल्स की वजह से ये धीरे धीरे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो शिफ्ट हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि इसके वजह चाइना में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं सब कुछ बंद करके रख दिया था, लोगों को ताला मार के घर के अंदर रख दिया था, तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एकदम ठप चुका था। तो जिसके लिए बहुत सारे कंपनीज जो है वो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शिफ्ट करने के लिए है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो इनका जो तानाशाही है, जो आज पूरी दुनिया को आज ऐसे करार नजर में से देख रहा है, तो ये खतरे का घंटी है किसी दूसरे कंपनी के लिए। तो इसी में क्या है कि बहुत जल्द इन लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरा है कि चाइना की एक बहुत बड़ा काम है कि वन चाइना पॉलिसी। अब वन चाइना पॉलिसी में क्या है, ये पहले ताइवान को इन्वेट करने वाला है। अगर ताइवान को इन्वेट करने वाला है तो ये बहुत बड़ा वॉर हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में ऐसे भी बहुत बड़ा एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, लेकिन उसी हिसाब से अगर चाइना का ताइवान में इन्वेट करें तो उससे भी बड़ा एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। तो इसलिए जितने सारे बड़े कंपनी इस खतरे का घंटी को देख के इन लोग बहुत जल्द अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। ये वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, ऐसे जगहों पर ये अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। अब चाहे आप इलॉन मस्क को देख लीजिए, रिसेंटली इलॉन मस्क इंडिया को प्रॉमिस कर चुके हैं कि अगले साल वो आने वाले हैं, अपना कांड चेंज करेंगे, और जो गाड़ी है वो भी एक बहुत सस्ता कार लेके आने वाले हैं। उसके साथ साथ रिसेंटली हम फॉक्सकॉन मेधाते की बात तो हम जानते हैं, क्योंकि एक $19 बिलियन की एक बिल था वो टूट चुका है, लेकिन फॉक्सकॉन फिर भी यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आके कर रहे हैं। उसके बाद TSMC और जितने बड़ा कंपनीज हैं वो फिर भी इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेकर। अमेरिका की एक कंपनी है, एक सिलिकॉन वैली का एक कंपनी है, वो भी यहाँ पे आके एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो क्या धीरे धीरे ये सब मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं यहाँ पे इंडिया पे, कुछ कुछ शिफ्ट हो रहे हैं वियतनाम में, इंडोनेशिया में, ऐसे जगहों पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे नज़र में चाइना को अपना खतरे का घंटी नजर में आ रहा है। रिसेंटली जब पॉपुलेशन डेटा आ रहा है, पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से आज दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना को छोड़ते हुए इंडिया आज बन चुका है। अब ऐसे में क्या हुआ कि चाइना की जो पॉपुलेशन थी, ये वन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। उसी हिसाब से ग्लोबल यूथ कहने वाला है, जो इंडिया है ये यूथ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे यूथ का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर दुनिया की लेबर फोर्स की बात करें वो भी इंडिया में है,
और सब कुछ इंडिया में आपको मिल रहा है। तो इंडिया को इंडिया के इस ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए पूरी दुनिया में जितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी इंडिया में आ रहे हैं और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, इसीलिए आज चाइना को ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है जो आपको मैं पहले पूछा था कि कैन इंडिया रिप्लेस चाइना फॉर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, क्वेश्चन है आंसर है यस, इंडिया कैन रिप्लेस चाइना बट इट विल टेक टाइम। ये एक दो साल की बात नहीं है कि चाहे आप आज बताए को आज पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया कैसे डेवलप कर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद सरकार ने डेवलप किया है PLIs की पब्लिक लिंक इंसेंटिव प्लान्स, जहाँ पे जितने सारे प्राइवेट कंपनीज जो है उनको बहुत सारा इंडियन इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। रिसेंट एक डेटा के मुताबिक जहाँ पे लैपटॉप जो इम्पोर्ट है जो बाहर में तैयार है वो इम्पोर्ट भी बैन कर दिया गया। इसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि जो लैपटॉप अगर किसी कंपनी को बेचना है तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में करना है। अब ऐसे में तो कोई कंपनी ये इंडिया जैसे बड़े मार्केट तो हाथ से जाने वाले तो नहीं देंगे। दूसरा बात जो ड्रोन का जो कस्टमर सेटअप कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये हम सब ने जानते हैं। तो इसी में ड्रोन का भी इम्पोर्ट बैन कर दिया। अब जैसे DJI जैसे ये बहुत पॉपुलर जो ड्रोन कंपनी है इनको अगर इंडिया में सेटअप बनाना है यहाँ पे बेचना है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, सेटअप यहाँ पे लगाना ही लगाना है, नहीं तो वो कर नहीं सकते। अब ये प्रॉब्लम है आ रहे तो इसी जैसी चीज को देखते हुए चाइना को आज ये लग रहा है कि उनके हाथ से फिर से जा रहा है सब कुछ। अब देखो ये तानाशाही जो है हमारा सी जिनपिंग जो है ये सोच है कि इनको पॉलिटिकल पावर ज़्यादा चाहिए। ये बन चुका है हमारा चाइना का नया माओज़ेडोंग। अब माओज़ेडोंग जैसे पकड़ के रखा था अपना पॉलिटिकल पावर और को सुप्रीमेसी दे के रखा था, ये भी अपना पॉलिटिकल पावर को सुप्रीमेसी दे के रखा है। इसलिए आज देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक चाइना में सब गायब होते जा रहे हैं। पहले हम देखे थे कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो किसी लड़की के चक्कर में आते हुए वो गायब हो गया क्योंकि वहाँ पे साफ छवि बहुत चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और भी अलीबाबा के जो फाउंडर है वो भी देखा जाए कि वो भी गायब हो गया, फिर तो बाद में पता चला कि जवान में जाकर उनको मिले। तो ऐसे ही कान वहाँ पे देखने लगे क्योंकि उनको पॉलिटिकल सुप्रीमेसी चाहिए। अब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जिसको चाहिए वहाँ पे तो इसका प्रॉब्लम होते रहेंगे। एंड कंपनी को जब उनका IPO लॉन्च करने नहीं दिया जाए तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। उससे बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर पे। ऐसा कहा जाता है सिर्फ चाइना में ही होता है क्योंकि ये सिर्फ सुनने में हम लोग सुनने में ही खराब लगता है कि वहाँ पे गांव में जो बस्ती है जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे उनको हटाया जा रहा है गाँव को गाँव ताकि वो लोग शहर में आके रियल एस्टेट का जो प्रॉपर्टीज है वो खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं पे होता है। अब जो रियल एस्टेट खरीद नहीं रहे वो जो बिल्डिंग जो है सब कुछ गिरा दे रहे हैं, इतना क्राइसिस आ रहे हैं। अपना रियल एस्टेट की EMI के लिए तरबूज की लेने में इन लोग हिचकिचाहट नहीं हो रहे, ऐसा कांड भी वहाँ पे हो रहा है, ये सिर्फ चाइना में हो रहा है। तो क्राइसिस तो हमको देखने को मिल रहा है वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रेट क्राइसिस। अभी क्राइसिस मैन्युफैक्चरिंग हब को जब हटाने वाले हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब इसलिए बढ़ने वाली है तो इसलिए हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत जो GDP इन लोग एक्चुअल है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ा के इन लोग दिखा रहे हैं ताकि लोग और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, अब चाइना में इन्वेस्ट हो के दुनिया में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत साउथ ईस्ट नेशन जो वहाँ पर भी इन्वेस्ट हो रहा है। अब यही चीज़ है तो दुनिया को अगर इन्वेस्ट करना है तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा भी सिर्फ हमको थोड़ा बहुत एफर्ट दे के अपना देश को धीरे धीरे ये मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर तब्दील करना है। तो यही है आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।